पेट्रोल डाल के ना जला के ये गली से भागा। केबल जला था, 2 माइल तक आँख लगी हुई थी, बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता था। 5 माइल के बच्चे छोटे लेके कहाँ भागते थे हमने। पूरी ये पोस्टर ऊपर जली, हम लोग ने देखे, हम लोग तो हम लोग घबरा गए, पूरी फिर पब्लिक थी। तो जिसने भी ये कांड किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अमृत नगर दरगाह गली में आज सुबह के वक्त एक इमारत के गेट पर खड़ी एक बाइक में किसी ने आग लगा दी, जिसकी वजह से बाइक जलने की वजह से बिजली का केबल भी इसके चपेट में आ गया और उसमें से भी धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से इमारत में रहने वाले लोगों में काफ़ी डर बैठ गया कि इमारत में भी कहीं आग ना लग जाए। आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया, या यूं कहें कि एक भयानक घटना यहां से टल गया, नहीं तो इमारत में भी आग लग सकती थी। बाइक में आग लगने की वजह से जो सामने ही एक दुकान है उसके जो बैनर है वो भी जल गया है। आपको बता दें कि दरगाह गली के चिराग मेंशन बी विंग में जो आने जाने का रास्ता है उसके ठीक सामने ही जैद सैयद ने अपनी यूनिकॉर्न बाइक खड़ी की थी और आज सुबह के वक्त करीब 4 से 5 बजे के आसपास में किसी ने इस बाइक में आग लगा दी। बाइक में आग लगने की वजह से चिराग मेंशन बी विंग में जो बिजली का केबल मीटर में लगा हुआ है उसमें से भी धुआं निकलने लगा। इस दौरान इमारत में रहने वाले लोग सो रहे थे, क्योंकि जो वक्त था वो सुबह का वक्त था, 4 से 5 बज रहे थे उस दौरान, और इमारत में रहने वाले सभी लोग नीचे तो उतर आए मगर वो इमारत से बाहर कैसे निकले ये उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इमारत से आने जाने का जो रास्ता है उसी के ठीक सामने ही ये बाइक जल रही थी और बाइक जलने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से जो बिजली का केबल था उसमें से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। चिराग मेंशन में रहने वाले लोग बेहद ही डरे और सहमे थे कि कहीं इमारत में भी ना आग लग जाए, मगर इमारत से पानी डालकर किसी तरह से बाइक में जो आग लगी थी उसे बुझाया गया और जिस केबल से धुआं निकल रहा था उस पर लोगों ने मिट्टी वगैरह डालकर उसे बुझाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, यानी कि एक यहाँ पर एक बड़ी घटना होने से बच गया है। बहरहाल इस इमारत में रहने वाले लोगों ने और जिसकी बाइक चली है उसने क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या नाम है आपका? जैद इस्माइल सैयद। ये आके कैसे लगी थी, कितने बजे की घटना है ये? 4:45 का है। लगी कैसे यार ये? ना कोई बता रहा है कि अरे पेट्रोल डाल के ना जला के ये गली से भागा है, और उधर पे पीछे बाजू कैमरे में भी आया सिर्फ वहाँ की पब्लिक डर ही देने के लिए बोली आज तुम लोग को दे देंगे, कल से हम लोग को दुश्मन ये सब देखना पड़ेगा बोले। और वो मेन बाइक का मसला नहीं था, मेन केबल और ये पूरा केबल जला था, 2 माइल तक आँख लगी हुई थी, तो उससे क्या होता था पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता था, और बिल्डिंग में ब्लास्ट होता था तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती थी। कंप्लेंट वगैरह कुछ कंप्लेंट दिया हो? अभी तक फ़ोन वो चौकी से आया नहीं है, सब यहाँ पर आके सब लेकर गए लिख के बाइक वगैरह सब टोटल, हमने कुछ जवाब नहीं दिए ना फ़ोन आया चौकी से। क्या कहेंगे आप, जैसे इमारत का भी खतरा बढ़ गया था जिस तरह से आग यहाँ पर लगी थी बिल्डिंग में, अगर लग जाती हम लोग तो 5 माले पे रहते हैं, 5 माले पे बच्चे छोटे लेके कहाँ भागते थे हम लोग, काफ़ी डर हो गया था उस वक्त। फिर हम लोग परेशान, पूरा धुआं पर तक पहुँचा था, पूरा एकदम घबरा गए हम बच्चे लोग, हम लोग देख के सब हमारे छोटे छोटे बच्चे उठ के देखने लग गए। फायर ब्रिगेड को नहीं सूचना दी थी? नहीं ना, रात कितना को 4 बजे का टाइम था, किसी को सुझरा नहीं था, आग इतनी बड़ी लग गई थी कि अरे सब पब्लिक पानी देख रही है, छोटी मोटी ऐसा कुछ रहता तो फोन फटाक से कर देती थी।
साला अच्छा हुआ कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस आग को बुझाया नहीं, जिस हिसाब से केबल जला है और मेन गेट पर ही जहाँ से इमारत के लोगों का निकलना होता है वहाँ पर ही इलेक्ट्रिक बॉक्स मीटर बॉक्स था। अगर ऐसे में अगर इमारत में आग लगती तो बहुत भारी नुकसान होता। पूरी ये पोस्टर ऊपर जली, हम लोग ने देखे, हम लोग एक तो हम लोग घबरा गए, पूरी से पब्लिक थी और जितने हो सके हम लोग ने करे। ये अंगार इतनी ऊँची एक माली तक चली गई, बड़ी केबल है, ये पूरी पोल है, यहाँ से वो बिल्डिंग तक है, ए विंग से लेकर सी बी विंग तक की पूरी पब्लिक एकदम मतलब हैबत में थी कि ट्रांसफार्मर में आग लग जाता हमारा तो हम लोग किधर जाते, खतरा बढ़ गया था बहुत रात में। और ये पब्लिक ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए कि किसी की चीज़ हो या कुछ भी हो, दोनों बिल्डिंग फंस जाते थे। हम लोग इतना घबरा गए ऐसा कि पूरी हमारी करंट के यही रास्ता था निकलने का, हम जाते तो किधर जा सकते, गलत है। जिसने भी करा अच्छी कड़क कानून के हवाले करो उनको, और ये ऐसे दोबारा का काम नहीं करें कि हम इससे भी डर जाए हैबत में। अच्छा ये भी बात है कि आप बाइक यहाँ खड़ी नहीं करते थे लेकिन कल रात में ही खड़ी किए? नहीं नहीं, किसी 3 दिन से मैं यहाँ ही खड़ी कर रहा, क्योंकि स्पीकर वगैरह लगाया मैं यहाँ पर ही सुनते, थोड़ा बैठते थे कि 10:30 बजे से अपने घरों पर चले जाते थे, तो मैं इधर पर कैसा बारिश के वजह से इधर ही खड़ी कर रहा था, सेफ्टी में लगा था, ऊपर से दिखता हो मेरा घर, तो कैसा हो गया ये आज जो रात में खड़ी किया गाड़ी, पहले वहाँ खड़ी किया था, वहाँ से इधर आई, फिर वो गली में से 2 बंदे लोग आए, उसने ना पेट्रोल डाला तो पहला कांडी ऐसा लगाया तो सामने से एक लड़का देख रहा था, उसने ना कांडी को बुझा दिया और उसको देखा तो उसको क्या लगा कि अरे वो आगे चला गया, फिर वो साइड में खड़े रहकर उसको देख रहे, तो उसने क्या किया दूसरी कांडी लिया ऐसा जलाया, जैसा फेंका ना उसने तो भग करके ऐसा आग पकड़ी ना, तो यहाँ से वहाँ तक भागने में दोनों लोग ने उसने देख लिया। और ये जो बाइक को जो आग लगाया गया है तो ये बाइक तो जलाए ठीक है, ये अपनी जगह पे था मेरा, लेकिन कहना ये है कि ये बाइक की आग के वजह से ये जो यहाँ के जो मेन केबल है उसमें आग लगे, तो नीचे ही कैबिन है, कैबिन में अगर आग पकड़ता और ये आग इतनी ऊंची हो चुकी थी, मैं तो जगह पे नहीं था, मेरे को फ़ोन किया गया, मैं तलोजा में था, जब मैं यहाँ पे आया तब देखा तो सब लोगों ने आग बुझा दिया गया था, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे लोग लेकर जो लोग बिल्डिंग में रह रहे और ये वक्त 4:30 बजे के करीब का, जिस टाइम पे गहरी से गहरी नींद में लोग रहते और ऐसे टाइम पे जिसने ये आग लगाया है उसने आग लगाया और उसके बाद सारी बिल्डिंग के अंदर आग पकड़ी गई है, और पूरा ऐसा माहौल हुआ था कि जो लोग बता रहे हैं मुझे, मैं नहीं था, तो कि इतना घबराहट का मामला लोगों का बना हुआ था यहाँ पे। और मेरी एक अपील है चेयरमैन होने के कि ये जिसने भी आग लगाया जैसे ये नाम बता रहा है जिन लोगों का, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि बाइक जलाना एक अलग मैटर होता है, इसका और एक मैटर अलग होता है, ये जो मैटर है लोगों की जान से जुड़ा हुआ था, या जो लोग रहते अगर आग बढ़ती ज़्यादा होती इमारत की तो ये लोग कैसे अपनी जान बचाते, छोटे छोटे बच्चे लेके कैसा भागते और क्या करते, तो जिसने भी ये कांड किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उसके ऊपर जल्द से जल्द वो लोग पकड़ा जाए।